केंद्र सरकार कई के सारी योजनाओं का संचालन कर रही है जिनमें राशन आवास पेंशन और बीमा जैसी अनेकों योजनाएं शामिल हैं। इस बीच समय समय पर कई नई योजनाएं भी लॉन्च होती हैं, जैसे आज यानी तेरह मार्च 2024 को हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंचित वर्गों को शरण सहायता के लिए राष्ट्रीय व्यापी जन सम्पर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लिया इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया साथ ही एक लाख लोगो को शरण राशि भी दी गयी अब आप सोच रहे होंगे की पोर्टल क्या है और इसका लाभ क्या है और किसे मिलेगा तो चलिए बिना देरी के इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं आप आगे इस पी सूरज योजना के बारे में विस्तार से जान सकते हैं दरअसल पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित और जन कल्याण के लिए है इस पोर्टल के जरिए श्रम सहायता स्वीकृत की जाएगी इससे पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे जिससे पंद्रह लाख रूपए तक के बिजनेस लाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा इससे बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा पीएम सूरज पोर्टल को तो परिवर्तनकारी पहल बताया जा रहा है इसे समाज के सबसे वंचित वर्गों को उत्थान करना और शक्तिकरण उद्देश्य है वहीं इस योजना के अंतर्गत श्रम मुहैया कराया जाएगा वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस पीएम सूरज पोर्टल के जरिए व्यवसाय के नए अफसर भी तैयार होंगे उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस पोर्टल से काफी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस पी सूरज पोर्टल के जरिए वंचित वर्गो को लाभ मिल सकेगा वही बाकी जानकारी योजना की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सामने आ पाएगी पीएम सूरज पोर्टल के अंतर्गत पात्र लोगों को बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सूक्ष्म वित्त संस्थान और अन्य संगठनों के जरिए ऋण दिया जाएगा